हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ बहुत प्यारी जगह जिसे हम बोलते हैं हरिद्वार। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, चारों तरफ से कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और हमने यहाँ पे देव दर्शन भी किए, मंदिर भी गए, लेकिन एक बात जो बहुत बुरी भी लगी वो ये है कि देखिए यहाँ पे ये घाट है, इधर देख रहे हैं गवर्नमेंट ने कितनी ज़्यादा सेफ्टी के लिए यहाँ रेलिंग भी लगाई है। और इधर देखिए चेंजिंग गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए एक चेंजिंग ये कंपार्टमेंट बना दिया है स्टील का, जिससे कि यहाँ पे घाट पे लेडीज़ या कोई भी नहा रहा है वो अपना चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि इसमें ये देखिए ये चेंजिंग बने हुए हैं, छोटे छोटे डब्बे टाइप के बॉक्सेस हैं, इसमें सुसुपोटी कर रखी है, गंदगी की हुई है। और देखो यहाँ पे घाट पे भी कितनी ज़्यादा गंदगी है, डस्टबिन है, डस्टबिन के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है सब में देखिए। और यहाँ लोग नीचे सो भी रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। तो आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप इतनी पवित्र जगह पे आते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह जाकर एटलीस्ट इतनी पवित्र जगह पे जाकर ऐसी हरकतें ना करें। जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए उसे यूज़ करें, डस्टबिन है उसमें कूड़ा डालिए। और ये चेंजिंग बॉक्सेस बने हैं इतने अच्छे कि हमें चादर डाल के या ग्रुप बना के हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो हमारी फैसिलिटी के लिए है। तो आप प्लीज़ उसे गंदा ना करें। और जैसे ये कूड़ा है, आप एक पॉलिथीन ला सकते हैं अपने साथ, तो उसमें कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। अपनी गंगा माँ को आप इतना पवित्र मानते हैं तो उसे गंदगी क्यों करना उसमें, है ना। आप मुझसे सहमत है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। एक इंडियन होने के नाते प्लीज़ ये हरकतें ना करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो हर किसी पे ये मैसेज जाए। बाय, गुड नाइट।